तो स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बीसीए के लिए जो जावा का सिलेबस है वो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक समझ लिया था कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे रन करती है, और हमने अपना पहला जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ लिया था कि वो प्रोग्राम कैसे हम रन कराएंगे, क्या रहेगा, क्या डिटेल्स हैं उसमें, आगे कैसे लिख के नोटपैड में रियल में रन कराएंगे वो हम आज देखेंगे। पिछले में हमें समझ चुके हैं कि जावा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख लीजिए, उसमें हमें समझ चुके हैं कि जावा प्रोग्राम के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसमें क्लास का क्या काम होता है, जो मेन फंक्शन है उसका क्या काम होता है, जो हम प्रिंट के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उसका क्या काम होता है, और बेसिक जो पूरा स्ट्रक्चर होता है एक प्रोग्राम का वो हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम आइए चलिए उसको देखते हैं रन करा के। तो एक जावा का प्रोग्राम रन कराने के लिए आपको सबसे पहले आपके सिस्टम में जो जावा का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए, और उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, जावा डेवलपमेंट किट, क्या नाम है, JDK। तो JDK इंस्टॉल करने के लिए आप अपने जो भी आपका कंप्यूटर है उस पर एक ब्राउजर खोल लीजिए, कोई भी, मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास विंडोज सिस्टम है, विंडोज सिस्टम इस पर चल रहा है और इसमें गूगल क्रोम मैंने ओपन किया। गूगल क्रोम में आप यहाँ पे जाइए सर्च में और सर्च कीजिए JDK डाउनलोड। क्या सर्च करना है हमें, JDK डाउनलोड, और JDK डाउनलोड सर्च किया तो जब देखिए तो सबसे पहली वेबसाइट है। हमने क्या कहा था कि इसको सन माइक्रो सिस्टम्स ने जावा को बनाया था और इस समय ओरेकल इसका जो है वो मेंटेनेंस भी कर रहा है, मतलब इस समय जो पेरेंट कंपनी है जावा की वो ओरेकल है। तो ओरेकल की देखिए वेबसाइट है यहाँ पे जावा SE डाउनलोड्स, जावा SE मतलब जावा का जो स्टैंडर्ड एडिशन है, SE का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड एडिशन। और वहां पे देखिए आपको वेबसाइट खोलने पे स्टार्टिंग में ही सबसे पहले देखिए जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इस समय जावा का, JDK का, क्या है, जावा SE 16, मतलब जावा स्टैंडर्ड एडिशन 16th वर्जन, और इस 16th वर्जन है इसको हम डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, ये लिंक यहाँ पे है JDK डाउनलोड, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और ये आपको फिर एक नई वेबसाइट पे लेके, नई वेब पेज पे लेके जाएगा, और इस वेब पेज पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और देखिए JDK जो अलग JDK है, हमने क्या बताया कि जावा क्या है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सकती है। तो देखिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यहाँ पे हमने इसमें डिटेल दे दी है, देखिए एक ये है लिनक्स के लिए है 64 का, ये फिर JDK लिनक्स के लिए जिप वर्जन है, वो इंस्टॉलर वर्जन है, और लिनक्स के हैं ऊपर है, ऊपर OS X के लिए है जो आपका मैक OS पे चलेगा, और चूंकि हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो हम विंडोज का इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये देखिए JDK 16 विंडोज X64 bin.exe, ये exe फाइल है, एक zip फाइल भी यहाँ पे, उसको आप चाहें तो आप डायरेक्टली कहीं पे एक्सट्रैक्ट करके चला सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हैं, आपको बेसिक समझ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये जो exe फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको पूछ रहा है लाइसेंस एग्रीमेंट कि क्या आप जो ओरेकल का जो लाइसेंस है जो जावा को पढ़ने के लिए, जिसे हम बोलते हैं एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, उसके लिए आप एग्री करते हैं, तो आप एग्री पे यहाँ पे चेक बॉक्स जो है उसे क्लिक कर दीजिए, एग्री करता हूँ, और या डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, और डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके विंडोज एक्सप्लोरर में खुल के आ जाएगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद में आप यहाँ पे ये जो बटन है यहाँ पे सेव बटन क्लिक करिए, नाम यहाँ पे डाल दीजिए आपको जो भी नाम डालना हो, उसके बाद सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये JDK इंस्टॉलेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये देखिए JDK जो डाउनलोड है यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गया, और डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, अपना डाउनलोड्स वाला फोल्डर खोलेंगे, ये देखिए डाउनलोड्स वाला फोल्डर खोला मैंने, यहाँ पे फाइल पड़ी है JDK की, इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने पे ये इंस्टॉलेशन अपने आप भी स्टार्ट होगा। देखिए ये पूछ रहा है कि क्या आप, अब देखिए बेसिक इंस्टॉलेशन है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे नेक्स्ट करके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 16 वाले फोल्डर में इसको सेव करेगा, मतलब कि जावा की जो पूरी लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, जो पहले से डिफाइंड होते हैं कुछ फंक्शंस वगैरह, जैसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन देखे थे, हम प्रिंट फंक्शन देखे थे, वो सब इन्हीं फोल्डर्स में जाके सेव होंगी। तो ये डिफॉल्ट मैं आपको कहूँगा, आप जो डिफॉल्ट उसने जावा ने दिया है आप उसी के साथ रहिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरा दे दे कॉपी फाइल जो है हमारी सारी फाइल्स को कॉपी करके ये इंस्टॉल कर देगा। मैं तब तक इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए, और ये बता रहा है कि जावा TM SE डेवलपमेंट किट 16
64 बिट वर्जन, क्या कह रहा है कि JDK का 16 वाला 64 बिट वर्जन सक्सेसफुली हमारे में इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसे आप कर देना है विंडो को क्लोज, और यहाँ पे हम इस टैब को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम फाइल एक्सप्लोरर को अपने क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे अब आपको रन कराना है। अब देखिए आपके में आपने जब इंस्टॉल किया इसको डाउनलोड करके, आपको यहाँ पे चेक करना रहेगा कि आपने जावा ठीक से इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे चेक करेंगे इंस्टॉल हुआ कि नहीं, आप स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे जाइए, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और देखिए कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ गया। एंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पे ओपन होके आ गया है, ये देखिए। और फिलहाल के लिए हम जावा का जो प्रोग्राम को जो रन कराएंगे वो हम किसी IDE का यूज़ नहीं करेंगे। IDE मतलब IDE ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं प्रोग्राम्स को, जावा प्रोग्राम्स या और किसी लैंग्वेज प्रोग्राम्स को रन करने के लिए वो स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। फिलहाल हम उसका यूज़ ना करके हम बेसिक से समझेंगे कैसे प्रोग्राम को हम एक लिखते हैं, सेव करके कैसे कंपाइल करते हैं, और फिर कैसे रन करते हैं। और उसको समझने के लिए आपको यहाँ से करना पड़ेगा रन, कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, आपको यहाँ पे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, या अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं, उबंटू यूज़ करते हैं, या कोई और लिनक्स का वर्जन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको टर्मिनल नाम का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। वो क्या होता है कि इसमें हम इसमें कमांड्स रन कराते हैं। कमांड्स मतलब हम उसको लिख करके कोई कमांड देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करता है। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से अलग अलग कमांड्स उसमें होते हैं। और जावा के लिए जो कमांड होता है वो क्या होता है, हमने बताया था पिछली वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, जावा का कंपाइलर जो होता है उसका नाम क्या होता है, जावा सी। क्या नाम होता है, JAVAC, जावैक आप इसे बोलिए, जावा सी बोलिए, देखिए जावा सी। और जावा सी का हमें देखना है कि जावा सी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली कमांड लिखना है जावा सी, और फिर आपको ये डबल ऐसे जो माइनस का साइन है, या आप उसे हाइफन कहें, माइनस डबल माइनस से डबल हाइफन लगा के आपको लिखना है वर्जन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस कमांड का मतलब ये हुआ कि हम जावा कमांड जो जावा सी कमांड है उसको रन करा रहे हैं, और उसके सामने एक ऑप्शन दे रहे हैं, इसको हम ऑप्शन बोलते हैं। क्या ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, वर्जन। अब इस कमांड से क्या होगा कि हमें प्रिंट कराएगा अगर इसमें जावा हमारा जावा इंस्टॉल हो गया होगा, तो इससे हमारा जावा कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है वो हमारा प्रिंट होके आएगा। तो अब इस कमांड को रन कराने के लिए करते हैं, सीधा हम एंटर प्रेस करेंगे, और जब जावा कमांड को रन कराएंगे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए रन हुआ, और क्या आया यहाँ पे, जावैक 16। ये क्या बता रहा है कि जावा का जो JDK है आपका जावा डेवलपमेंट किट उसका 16th वाला वर्जन आप में इंस्टॉल्ड है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि जावा हमारे में इंस्टॉल्ड हो गया सक्सेसफुली। अब जावा हमारे में इंस्टॉल्ड तो है सिस्टम में, हमें अब करना क्या है, अब अपना जावा प्रोग्राम चाहिए हमें जो हम रन कराएंगे। तो जावा प्रोग्राम हम बनाने के लिए सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में, और चलिए डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे, इसका नाम क्या रखेंगे, इस फोल्डर का नाम रखेंगे हम जावा, ठीक है। ये जावा नाम का फोल्डर यहाँ पे बन गया। इस फोल्डर के अंदर आके हम एक फाइल बनाएंगे, एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, न्यू। यहाँ पे फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, लेकिन आपका इसका एक्सटेंशन आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसका डिफॉल्ट नेम लिख के आया है, मैं इसको लिखूंगा hello.java। अब ये आपको पता होगा, हमने बताया था कि जावा के रन जो जावा के प्रोग्राम्स होते हैं उनका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .java। जो जावा फाइल आप बनाते हैं जिसमें आपका जावा का सोर्स कोड रहेगा वो आपका डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहता है .java, JAVA। तो हमारी फाइल का नेम है हेलो और एक्सटेंशन क्या है, .java। इससे क्या समझ में आएगा जो हमारे कंपाइलर को, कि ये एक ऐसा फाइल है जिसमें हमको जावा का प्रोग्राम मिलेगा कोई, जिसको हमें कंपाइल करना रहेगा और फिर एग्जीक्यूट करना रहेगा। तो अब हमने फाइल बना ली, यस पे क्लिक कर दिया, ये देखिए हेलो डॉट जावा की फाइल हमारे पास बन गई। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे। आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है इस फाइल पे जाके, और ये फाइल देखिए पूछ रहा कि किससे आप ओपन करना चाहते हैं, कौन से ऐप से आप इसको ओपन करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको नोटपैड से ओपन करूंगा। हमारा जो नोटपैड होता है विंडोज के साथ में और लिनक्स के साथ में क्या होता है, GEdit नाम का एक होता है। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं कि आप इसमें कोई प्रोग्राम या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अभी देखिए नोटपैड में मैं विंडो थोड़ी छोटी कर लूंगा, और यहाँ पे ये विंडो छोटी करके
यहाँ पे प्रोग्राम आ गया हमारा, हम इसको अब रन कराएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जावा का प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ यहाँ से, और ये सामने आया, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम अब लिखूंगा जावा का। तो प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हम आप बेसिक हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि कैसे प्रोग्राम का हमारा कैसे लिखते हैं, क्या क्या रहता है उसमें। सबसे पहले हम वही प्रोग्राम जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक हेलो प्रिंट करने वाला, एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रिंट करेगा वेलकम टू जावा या हेलो वेब वर्ल्ड, कुछ भी आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो चूंकि हमने हेलो नाम का बनाया है तो मैं हेलो एक प्रिंट करना चाहूंगा, तो इसका प्रोग्राम लिखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे वो प्रोग्राम हमने लिखा, उसमें जो वर्ड्स रहते हैं हमारे उनका क्या मतलब है, अलग अलग वर्ड्स रहते हैं उनको क्यों लिखा जाता है, जो हम ब्रेसेस लगाते हैं ओपनिंग क्लोजिंग उसका क्या काम है, ये स्ट्रक्चर आपको वहां से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सीधा प्रोग्राम लिखता हूँ। तो प्रोग्राम लिखने क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पब्लिक क्लास हेलो। और ये आपको पता होना चाहिए कि जावा में जो हमारा फाइल का नाम होता है उसी नाम की हमारी क्लास होनी चाहिए। तो हमारे फाइल का क्या नाम है, हेलो डॉट जावा। फाइल का नाम क्या है हमारे, हेलो डॉट जावा। तो हेलो डॉट जावा जब है तो हम फाइल का नाम अपने क्लास का नाम क्या रखेंगे, हेलो। ठीक है, हेलो नाम की क्लास बन गई हमारी। अब यहाँ पे हम लिखना अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये ब्रेसेस आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में देखें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ब्रेसेस हम लगाते हैं। फिर क्या रहेगा, पब्लिक स्टैटिक और फिर void main, public static void main। और main में हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे main के अंदर जो रहता है हमारा string args का मैंने अभी कहा था आपको कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, string args से हम arguments लेंगे। क्या होते हैं arguments, उनका क्या use होता है हम आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं। और main में हम क्या लिखेंगे, मैं इसका font थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फॉन्ट में जाकर के फॉन्ट इसका थोड़ा छोटा, जिससे और क्लियरली हमको दिखे पूरा प्रोग्राम एक में। ठीक है, और मेन में हम क्या लिखेंगे, मेन के अंदर में, ठीक है ये। और फिर हमारे मेन जो फंक्शन है उसका हमारा, जिसे हम कहते हैं फंक्शन का बॉडी, वो स्टार्ट होगा। और फंक्शन की बॉडी में हम क्या लिखेंगे, सिंपल अपना जो प्रिंट का स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट print ln क्या होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। ये सब आप बेसिक पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक जो लाइन इसमें लिखी है हम उसके बारे में पूरा रहेंगे कि ये लाइन क्यों होती है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर, कैसे कंपाइल करता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है। और इसके अंदर अब देखिए आप, इसके अंदर फिर हम अपना मेन जो प्रोग्राम है वो लिखेंगे। मेन प्रोग्राम लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेन प्रोग्राम लिखने का मतलब क्या है हमारा, कि हमारा जो मैसेज होगा, आपको फिलहाल यहाँ पे यही ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास हेलो, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक क्लास हेलो, ठीक। और फिर उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये है, ये हमारा मेन फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। और ये जो हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारा किस काम के लिए आएगा, इसके बीच में ये जो हमारे जो डबल कोट्स हैं इनके बीच में हम जो भी मैसेज लिखेंगे, जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो जाके एज इट इज हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ भी जो स्क्रीन है जहाँ पे यूजर प्रोग्राम को रन कराएगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्या मैसेज, हेलो डॉट जावा है तो हम क्या लिखेंगे सीधा, हेलो वर्ल्ड, हमने एक मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड, ये जावा से हम पहला मैसेज अपनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम सेव कर देंगे, फाइल में जाकर के सेव पे आप क्लिक कीजिए, प्रोग्राम आपका सेव हो गया। अब क्या करना है आपको, आपको फाइल एक्सप्लोरर अपना वहीं पे खोल लेना है, देखिए जहां पे आपका प्रोग्राम है। और करना क्या है आपको, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और उसके बाद आप कमांड से ही यहाँ पे आइए, इस फोल्डर में चले आइए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको हो सकता है अभी ये ना पता हो, मैं उसके लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा है दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स जावा, इसको कहते हैं आपका एड्रेस बार, मतलब यहाँ पे आपके प्रोग्राम का जो आपकी जो फाइल है उस फोल्डर का एड्रेस लिखा है।
तो इस एड्रेस बार पे क्लिक कीजिए, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। आपको यहाँ पे पूरा डिलीट करके सीधा क्या लिखना है, यहाँ पे डिलीट करके एड्रेस बार में आप लिख दीजिए CMD, यहाँ पे आप लिख दीजिए CMD और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब देखिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। देखिए वही विंडो है जो पिछली बार खुली थी, जब हमने जावा देखा था कि जावा हमारा इंस्टॉल्ड है कि नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ गया। और इसकी खासियत क्या है कि ये देखिए आपका जो ये जो फाइल है हमारी hello.java, ये जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ गया है। देखिए यहाँ पे यूजर नेम है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जो जावा नाम का फोल्डर हमने बनाया था उसी के अंदर देखिए ब्लिंक हो रहा है कर्सर कि आप इसके अंदर अब जो कराना चाहते हैं वो कराइए। तो अब कराने की रन कराने के लिए हमारे पास पता है कि हमारे इसमें प्रोग्राम हमारा सेव है। ये देखिए जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारी जो डॉक्यूमेंट है hello.java यहाँ पे सेव है। अब हमें रन कैसे कराना है, क्या हमने पढ़ा था कि जो जावा का हमारा जावा का जो कंपाइलर होता है उसका नाम क्या होता है, जावा सी। आइए हम थोड़ा सा उसको भी उसके बारे में एक बेसिक समझ लेते हैं कि जो कंपाइलर हमारा होता है जावा सी क्या होता है कि हमारा जो सोर्स कोड होता है, जैसे ये हमारा सोर्स कोड है सपोज ये हमने लिखा है और ये हमारा सोर्स कोड की फाइल जो है उसका फाइल का क्या नाम है hello.java। ठीक, फाइल का क्या नाम है hello.java। मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और थोड़ा क्लियरली दिखेगा। कलर इसका वाइट करते हैं जाके ये ब्लू कलर पे। और ये अब यहाँ पे देखिए आपका जो जावा प्रोग्राम है वो उसको क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। और सोर्स कोड कहाँ सेव है, hello.java नाम की फाइल में। ठीक है, अब इसको हम कंपाइल कैसे कराते हैं, देखिए बेसिक है पूरा कि कैसे कंपाइलेशन आपका होता है, जो आपका एक प्रोग्राम आपका कंपाइल होने के बाद फिर जो रन होता है वो कैसे होता है उसके लिए बेसिक है हमारा। तो बेसिक सीखने के लिए हम अभी सीधा ही करेंगे, क्या लिखेंगे, अब देखिए जावा वाला आपका प्रोग्राम है hello.java नाम का, क्या करेंगे हम इस पर कंपाइलर को कॉल करेंगे। क्या नाम है कंपाइलर का आपका, जावा सी। ठीक है, और वो क्या करेगा यहाँ पे कंपाइल करेगा, यही तो होता है ना जो प्रोसेस होता है जावा के प्रोग्राम को रन कराने का, आपको जावा सी जो कमांड है उससे आपको कंपाइल कराना होता है अपने प्रोग्राम को। कंपाइल होने के बाद ये आपका एक और कोड रिलीज करेगा, वो कोड क्या होगा आपका, आपका बाइट कोड होगा। क्या रहेगा आपका, ये जो बाइट कोड है याद है हमने बात की थी ना, बाइट कोड क्या होता है, वो कोड होता है, वो प्रोग्राम होता है जो ये जावा सी कंपाइलर आपका है वो जनरेट करता है। और ये क्या रहता है, ये डॉट क्लास फाइल में रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे जो फाइल थी उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट जावा, hello.java। इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, इसका नाम होगा हेलो, नाम वही रहेगा, एक्सटेंशन आपका बदल जाएगा डॉट क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बाइट कोड है जावा का प्रोग्राम वो कंपाइल होके बाइनरी फॉर्मेट में रखा है, बाइट कोड के फॉर्मेट में रखा है यहाँ पे। और ये बाइट कोड जो है, ये हमारा जावा का प्रोग्राम जो है ये बाइट कोड, इसे हम फिर आगे रन कराएंगे। कैसे रन कराएंगे, अपना जो JVM के थ्रू, जो जावा कमांड के थ्रू हम JVM पे इसको जाएंगे, वो इसको इंटरप्रेट करके लाइन बाय लाइन यहाँ पे सेव करेगा। तो यहाँ से हम इसको फिर देंगे किसको, जावा को, जावा को। और ये क्या करेगा, ये इसको रन करेगा। रन कैसे करेगा, इंटरप्रिटेशन के दौरान क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन में कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, मतलब जो हमारे विंडोज़ को समझ में आए, हमारे जो विंडोज़ कंप्यूटर को समझ में आए, जो विंडोज़ वहाँ पे जा करके प्रोसेसर को देगा रन कराने के लिए। तो इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको रन कराएगा। फिर ये किसके लिए जाएगा, ये हमारा JVM के थ्रू जाएगा और यहाँ से जाके रन होगा हमारे प्रोसेसर में, रन होगा। तो ये पूरा हमारा बेसिक आर्किटेक्चर था, बेसिक जो हमारा फ्लो था जो एक प्रोग्राम के रन करने का, कि एक हमारा जो सोर्स कोड होता है वो डॉट जावा फाइल में होता है, उसको हम रन कराते हैं जावा कमांड से, JAVAC जावा सी कमांड से रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं। तो फुल जो हमारा प्रोग्राम है वो कंपाइल होके एक बाइट कोड बना देता है और उस बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास। और फिर डॉट क्लास फाइल को हम जावा वाले से रन करा के जावा जो कमांड होता है उससे रन कराते हैं और फिर वो जाता है हमारे JVM फोल्डर में, JVM वाले मशीन में, JVM उसको इंटरप्रेट करके रन कराता है। अब इसी को, ये जो हमारा प्रोग्राम है, अब इसी को हम रन कराएंगे। कैसे कंपाइल कराएंगे, देखिए अभी जावा सी वाला था ना वहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सीधा इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन से अच्छा यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं
अपना जो कंपाइलर है, तो कंपाइलर का नाम क्या है हमारे, जावा सी। पिछली बार हमने माइनस माइनस वर्जन लिखा था, डबल हाइफन करके वर्जन, उससे उसने वर्जन प्रिंट किया था। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम अपने जावा का जो प्रोग्राम है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये तरीका है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में देखिए जो हमारा हेलो डॉट जावा था उसमें हमने प्रोग्राम लिखा, इसको जाके यहाँ से सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ये देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन है, यहाँ पे अभी जावा वाला वर्जन था। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का तरीका मैं आपको क्लोज करके फिर से बताता हूँ कैसे होगा। आपका प्रोग्राम जहाँ पे सेव है, इस फोल्डर में प्रोग्राम सेव है, यहाँ पे आपका एड्रेस बार में क्लिक कीजिए, और देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा है आप उसको डिलीट करके लिख दीजिए CMD, एंटर दबा दीजिए, यहाँ पे खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे हम रन कराएंगे, कैसे लिखेंगे, जावा सी और प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का नाम क्या है, हेलो डॉट जावा, ठीक है। हमारी फाइल का नाम क्या है, हेलो डॉट जावा। अब इसको हम रन कराते हैं, एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे कंपाइल हो गया है। यहाँ पे ऐसे कोई मैसेज नहीं देगा आपको, जो प्रोग्राम है आपको जावा, जो आपका जावा सी कंपाइलर है, आपको कोई मैसेज नहीं देगा, वो सिंपली क्या करेगा, इस प्रोग्राम को आपको हेलो डॉट जावा को कंपाइल करा देगा, और कंपाइल करा के उसको सेव कर देगा यहाँ पे। ये देखिए अभी हमने बात की थी डॉट क्लास वाले फाइल की, देखिए डॉट क्लास जो फाइल है हेलो डॉट क्लास यहाँ पे बन गई है, और हेलो डॉट क्लास क्या है, एक बाइनरी फाइल है, इसमें क्या बाइट कोड लिखा रहेगा। अब आपको इस फाइल को रन कराना है, रन कैसे कराएंगे वो भी हम कमांड से ही करेंगे, कैसे। अब देखिए जावैक ने हमारा, जावैक हमारा कंपाइलर है, जावैक ने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया हमारे। अब रन कराने की बारी आती है, रन कौन कराएगा, जावा, जो जावा कहते हैं कि जावा इंस्टॉल्ड है, जो JVM रहता है हमारा, वो इस कमांड से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, तो जावा में लिखेंगे। और यहाँ पे आपको क्या लिखा है, सीधा लिखना है हेलो, ठीक, क्या लिखना है, हेलो। पहले में आपको डॉट जावा लिखना रहेगा, सेकेंड वाला आपको जो कमांड रहेगा उसमें आपको डॉट जावा नहीं लिखना है, आपको सीधा अपना फाइल का खाली नाम लिखना है, जावा और फाइल का नेम, जावा और फाइल का नेम क्या है, हेलो, और आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस किए देखिए लिख के आ गया, यहाँ पे आ गया ना प्रिंट होके हेलो वर्ल्ड, ये जावा का प्रोग्राम हमारा रन हो गया। जब प्रोग्राम हमारा रन हुआ तो क्या हुआ, ये जो मैसेज हमने लिखा था यहाँ पे मेन फंक्शन में, जो मैसेज हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर में हेलो वर्ल्ड, वो मैसेज हमारा रन हो गया, और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा देखिए शो हो रहा है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, हेलो डॉट जावा, हेलो वर्ल्ड, हेलो डॉट जावा वाला प्रोग्राम हमारा रन हुआ। तो ये बेसिक तरीका होता है प्रोग्राम को रन कराने का। अब आप आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम JDK को इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम को लिख के रन कराते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक और चीज करते हैं कि इसमें हमारा जो लिखा है हेलो वर्ल्ड, इसमें थोड़ा सा और करते हैं, एक चीज, एक लाइन और ऐड करते हैं, और क्या करेंगे, एक लाइन हम और प्रिंट कराएंगे, एक लाइन हमारी यहाँ से प्रिंट हो गई ना हेलो वर्ल्ड, एक लाइन हम और प्रिंट कराएंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे, वही चीज, वही कमांड लिखने के लिए जो जावा का जो फंक्शन होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और println के अंदर क्या रहेगा हमारा अगला मैसेज। अब अगला मैसेज क्या प्रिंट कराना है, जैसे हमें प्रिंट कराना है वेलकम, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, हाँ वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। और ये देखिए जो बेसिक सिंटैक्स है, ये क्या कहता है कि आपको जो भी मैसेज है अपना वो सिस्टम डॉट आउट डॉट println के अंदर लिख करके यहाँ पे आपका जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या कहता है कि आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये देखो ये जो है यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको कॉल करना है, और उसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स हैं जिनको हम एलिप्सिस बोलते हैं उसके अंदर आपको डबल कोट लगा के प्रोग्राम आपका अपना लिखना है। तो प्रोग्राम हमने लिख दिया ना यहाँ पे देखिए डबल कोट लगा, और डबल कोट के अंदर हमें जो मैसेज अपना प्रिंट करना है प्रोग्राम में वो मैसेज हमने लिख दिया। क्या लिख दिया, पहली लाइन में था हेलो वर्ल्ड, सेकेंड लाइन में हमने लिख दिया वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। अब आइए इसको रन करा के देखते हैं, आइए इसको हम रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारा स्टेप है इसको एक बार लिख देता हूं मैं, रन कराने के लिए क्या हमें फॉलो करना होता है, फॉर रनिंग, इसे आप कहीं नोट कर सकते हैं या नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, आप जब वन बाय वन प्रोग्राम्स आप रन कराएंगे तो रनिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्रिएट फाइल
with create file with dot java extension. एक्सटेंशन का मतलब पता है ना, जो फाइल होती है हमारी, फाइल के बाद में, फाइल का नाम लिखने के बाद में एक फुल स्टॉप करके डॉट लिख करके जो हम लिखते हैं उसे हम फाइल के एक्सटेंशन कहते हैं। तो हमने एक फाइल क्रिएट कर ली अपनी, जो भी प्रोग्राम है उसको डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में। फिर राइट योर प्रोग्राम, क्या करना है, अपना प्रोग्राम है लिख लेना है आपको, राइट योर प्रोग्राम इन द फाइल। हमने फाइल में प्रोग्राम को लिख दिया आपने, अब अगला स्टेप क्या है, सेव द प्रोग्राम या सेव द फाइल। सेव द फाइल, हमने प्रोग्राम को लिख दिया, फाइल को सेव कराने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, कंपाइल करना है। क्या स्टेप रहेगा, कंपाइल, और ये कंपाइल कैसे करना है, यूजिंग जावा सी कमांड, जावा एक कम, मैं इसको जावा एक बोलता हूं, जावा एक कमांड। ठीक, इसको आप कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद क्या होगा, वहां पे डॉट क्लास फाइल एक बन के आ जाएगी, और डॉट क्लास फाइल बन के आई, फिर आपको क्या करना है, रन, और रन कैसे करना है, यूजिंग जावा कमांड, जावा कमांड। तो ये आपका बेसिक जो आपका तरीका है जो आप फॉलो करते हैं, कि सबसे पहले अपना फाइल क्रिएट कीजिए, और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, आप जो भी नाम लिखना है नाम लिख दीजिए उसके साथ में डॉट जावा, ठीक है, और एक्सटेंशन लिखने के बाद आपने उसको फाइल को, फिर आपने प्रोग्राम को फाइल में लिखना है आपको, जो भी प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप प्रोग्राम से करवाना चाहते हैं वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको फाइल सेव कर देनी है, कि जिससे जो हमारा स्टोरेज डिस्क है उसमें सेव हो जाए प्रोग्राम, और सेव होने के बाद में उसको कंपाइल कराना है आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जावा सी कमांड से। ये ध्यान रखिए कि जो जावा है वो एक लैंग्वेज है, और उसको प्रोग्राम को आपको रन कराने के लिए जो कंपाइलर है, देखिए इसका जावा सी का क्या मतलब है, जावा कंपाइलर, सी का क्या मतलब लास्ट में, कंपाइलर। तो जावा सी क्या करेगा, आपको प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, और कंपाइल करके आपको एक नई फाइल बनाएगा वो, जिसका नाम क्या रहेगा, आपका जो प्रोग्राम है जो आपने फाइल बनाई है डॉट जावा करके, उसका नाम, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट क्लास। जैसे हमने हेलो डॉट जावा बनाई थी, तो जो नई क्लास फाइल बन के आई थी, जो हमारा जावा एक ने बनाया था, उसका नाम क्या दिया था उसने, जावा जो हेलो डॉट क्लास। और फिर हमने क्या किया, फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और जावा करके, जावा वाला जो कमांड है, ये कमांड जावा, इस कमांड से उस हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। और फिर रन कराने के लिए क्या तरीका है, आपको अभी पिछले में प्रोग्राम में दिखाया, रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम में से जो एक्सटेंशन है वो हटानी रहेगी। मतलब कि आपका प्रोग्राम जैसे हेलो डॉट जावा है, तो आपको हेलो डॉट जावा नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है हेलो, बस जावा हेलो। तो ये आपका बेसिक स्टेप है, मैं इसको ज़रा सेव कर देता हूँ कहीं पर, ये सेव हो गया हमारा, और फिर यहाँ पे ओपन करते हैं अपना वो प्रोग्राम हमारा, ये देखिए जावा का, और जो हमने प्रोग्राम लिखा है हमारा ये लिख के आ गया। अब कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करते हैं, हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे ओपन है। अब रन कराने के क्या तरीका है, सेव हमने कर दिया है प्रोग्राम को, हमने सेव यहाँ से कर दिया, फाइल में जाके सेव पे आप क्लिक कर दीजिए, फाइल आपकी सेव हो गई। अब रन कराने का क्या तरीका है, हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिए अपना, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन ही है, अंदर था, नीचे मिनिमाइज था, वहां से ओपन किए, और फिर जैसे इसमें हम रन कराए थे, सबसे पहले कंपाइल कराने के लिए जावा हेलो डॉट जावा ये लिखना है आपको। तो सबसे पहले जावैक हेलो डॉट जावा, तो जावैक JAVAC जावैक हेलो डॉट जावा, हेलो डॉट जावा, ये देखिए। अब इसको एंटर करेंगे हम, एंटर करने के बाद यहाँ पे इसने कंपाइल किया प्रोग्राम को, उसमें उसने चेक किया कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, एरर के बारे में उसने चेक किया, जब एरर नहीं मिली तो सीधा प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया और हमारी ये फाइल बना दी हेलो डॉट क्लास, ये डॉट क्लास नाम, ये देखिए यही मैं समझा रहा हूँ कि आपकी जो फाइल है यहाँ पे जो फाइल है आपकी, ये जो फाइल है हेलो डॉट जावा के नाम से, ये फाइल हमारी वो है जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा है, फिर उसके बाद जब हमने कंपाइल किया तो ये फाइल बन के आई हेलो डॉट क्लास,
ये वो फाइल है जिसमें हमारा कब प्रोग्राम कंपाइल होके बाइट कोड हमारा सेव है। ये इसमें इस प्रोग्राम में हमारा बाइट कोड सेव है। क्या है? हमारे जावा का ये प्रोग्राम का प्रोग्राम्स बाइट कोड, प्रोग्राम का हमारे बाइट कोड यहाँ पे सेव है, ठीक है, डॉट क्लास वाली फाइल में। अब इस फाइल को आपको रन कराना है, इस प्रोग्राम को, हेलो डॉट क्लास वाले को। तो क्या करेंगे हम, सीधा अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहां से ओपन किए। अब यहां पे कंपाइल हो चुका है हमारा, रन कैसे कराएंगे, लिखेंगे जावा और अपने फाइल का नाम बिना एक्सटेंशन के, फाइल का नाम क्या है, हेलो, लिखेंगे हेलो हेलो, और जैसे एंटर हम दबाएंगे, देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट जो था, मैं इसको साइड बाय साइड दोनों को ओपन कर लेता हूं, और दूसरा हमारा ये था। देखिए आप बगल बगल में इसको देखते चलिए कि जो हमारा पहला प्रोग्राम, जो पहली लाइन थी हमारी, पहली लाइन क्या थी, पूरा प्रोग्राम हमने लिखा था उसके अंदर प्रोग्राम के सबसे पहली लाइन ये थी प्रिंट कराने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, मतलब कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आया, हमने जैसे इसको रन कराया जावा हेलो, तैसे ये तुरंत ये रन होके आ गया, क्या लिख के आया, हेलो वर्ल्ड, ठीक, पहला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। और एक चीज और है कि ये जो आप लिखते हैं डॉट प्रिंट एलन, आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा कि प्रिंट एलन का क्या मतलब है, प्रिंट लिखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, प्रिंट लिखना चाहिए, लेकिन प्रिंट एलन हम इसलिए लिखते हैं, ये जो प्रिंट लिखा है, प्रिंट के बाद में हम प्रिंट एलन इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोग्राम है, वो जो हमारा मतलब फंक्शन है, उसने जब एक प्रिंट किया हमारा एक लाइन, उसके बाद में ये एंटर दबा दें अपने आप, एंटर दबाने का मतलब कि लाइन का जो मतलब कर्सर है वो अगली लाइन पे उठा के रख दे। देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट एलन हेलो वर्ड लिखा था, हेलो वर्ड प्रिंट करने के बाद इसने अपने आप कर्सर को उठा के यहाँ पे रख दिया, और फिर जब हमने अगला मैसेज डाला यहाँ पे, अगला प्रिंट के स्टेटमेंट डाली हमने, क्या लिखा, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, क्या लिखा हमने यहाँ पे, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो दूसरा वाला जो हमारा मैसेज आया वो देखिए अगली लाइन में प्रिंट होके आया है, कहाँ आया है, अगली लाइन में, उस लाइन में प्रिंट होके नहीं आया है, और यही काम होता है इस प्रिंट एलन फंक्शन का। प्रिंट एलन क्या करता है कि जो प्रोग्राम होता है, वो जो स्टेटमेंट होता है, उसको जब प्रिंट करने के बाद में कर्सर को अगली लाइन पे कर देता है, और ये वेलकम टू जावा प्रोग्राम लिख के आ गया, ठीक है। एक और मैं आपको सिखा देता हूँ यहीं पे कि जो प्रिंट एलन फंक्शन है इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं इसको, प्रिंट एलन फंक्शन के अलावा हम प्रिंट फंक्शन यूज करके दिखाते हैं कि क्या मतलब है कि प्रिंट फंक्शन उस लाइन में नहीं, उस लाइन में ही प्रिंट करेगा। देखिए अभी हम यहाँ पे जो प्रिंट एलन हमने लिखा था, इसको मैं प्रिंट लिख देता हूँ, केवल, बस केवल लिखा मैंने प्रिंट, फिर अभी एलन हटा दिया है, इसको फिर से हम फाइल में जाके सेव कर दिए। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हमने, कमांड प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से ओपन किया अपना, ये देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खुला है। इसको मैं पहले क्लियर कर लूंगा स्क्रीन, CLS कमांड से क्लियर हो जाता है, देखिए स्क्रीन क्लियर हो गई। अब प्रोग्राम को हम कंपाइल पहले कराएंगे, कैसे, जावा सी लिखा हमने, जावा सी कमांड लिखा कंपाइल करने के लिए, और फिर फाइल का नेम अपने, क्या नाम है फाइल का, हेलो डॉट जावा, तो क्या लिखा हमने, हेलो डॉट जावा, ठीक, वो उसने कंपाइल कर दिया, कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, हमारी डॉट क्लास फाइल बन के आ गई। अब हमने इसको रन करना है, रन कैसे करेंगे, जावा, जावा कमांड डालेंगे और प्रोग्राम का नेम हेलो, जावा हेलो। अब आप देखिए यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये क्या मतलब है प्रिंट और प्रिंट एलन का, देखिए यहाँ पे फिर वही विंडो हम स्प्लिट करते हैं, इधर ये कर देते हैं, और ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमने क्या लिखा, केवल प्रिंट लिखा, प्रिंट एलन नहीं लिखा, और ये देखिए हेलो वर्ल्ड जो लिखा, जो इसने लाइन लिखी हेलो वर्ल्ड, ये जो लाइन लिखी हेलो वर्ल्ड, ये लाइन लिखने के बाद में इसने फिर कर्सर को वही छोड़ दिया जहां पे कर्सर था, इस फुल स्टॉप के बाद में इस जो फंक्शन था इसने कर्सर को वही पे छोड़ दिया और हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर से जब हमने लिखा वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग वाला प्रिंट करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे, तो उसने क्या किया, कर्सर तो वहीं पे है अभी, अगली लाइन में आया नहीं, तो जो अगला मैसेज हमारा हुआ वो अगला मैसेज फिर यहां से प्रिंट हुआ उसी के बगल में, उसी लाइन के बगल में, जो हमारा मैसेज था उसी लाइन के बगल में आगे ही कंटिन्यू होके प्रिंट होता चला आया, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। नेक्स्ट लाइन में क्या करने के लिए, क्या करेंगे हम यहाँ पे एलन लगा देंगे, क्या करेंगे एलन लगा देंगे, और एलन लगा के फिर से सेव करना है, प्रिंट एलन,
अब यहाँ पे फिर से इसको कंपाइल कराइए, आप देखिए इस बार रिजल्ट अलग आएगा। कंपाइल कराने के लिए क्या लिखेंगे, जावा सी हेलो डॉट जावा, ठीक, और यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब रन कराते हैं जावा हेलो, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, फिर से वही अगली लाइन में आ गया। मतलब हेलो वर्ड प्रिंट कराने के बाद एलन वाले फंक्शन ने क्या किया कि कर्सर को उठा के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रख दिया, और अगला मैसेज जो हमारा प्रिंट हुआ वो अगली लाइन में प्रिंट होकर आया, वेलकम टू जावा प्रोग्राम। तो आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा कैसे एक प्रोग्राम को हम बेसिकली कैसे लिख के सेव करते हैं और उसके बाद कैसे कंपाइल कराते हैं। ये था हमारा प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम हमारा है कि कैसे एक जावा प्रोग्राम को एक किसने क्या किया, सिंपली खाली प्रिंट किया है, दो मैसेज प्रिंट किए हमारे, हेलो और वेलकम टू जावा प्रोग्राम। अभी आपको JDK का इंस्टॉलेशन भी समझ में आ गया और जावा प्रोग्राम का रन करने का तरीका भी समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा, जब आ ही गया हमारे पास प्रोग्राम, जब हम समझ गए हैं कैसे कोई चीज प्रिंट कराते हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा और प्रिंट कराए कुछ देखते हैं। क्या करते हैं, अब की इस वाले में नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको हमने क्या किया एग्जिट कर दिया, क्लोज हो गया। एक नया फाइल बनाएंगे, ठीक है, एक नई फाइल बनाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे न्यू करेंगे, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं तरीका ये यूज कर रहा हूँ, आप कोई और तरीके से भी बना सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने बनाया लेकिन इसका एक्सटेंशन हम चेंज कर देंगे, इसका क्या नाम लिखेंगे, ये जावा प्रोग्राम है, इसमें क्या किया जाए, पिछली बार में हमने हेलो प्रिंट किया और वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग प्रिंट किया, इस बार भी हम कुछ प्रिंट ही करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, मैं एक लिखाऊ इसमें, इसमें हमने इस फंक्शन का नाम मैं दूंगा प्रिंट, यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन के बारे में समझेंगे, प्रिंट डॉट जावा, देखिए एक्सटेंशन मैंने चेंज कर दिया डॉट जावा पे, एंटर प्रेस करेंगे, विंडोज पूछ रहा है, विंडोज एक एरर, यहाँ पे एरर नहीं, यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है कि हो सकता है आप ये एक्सटेंशन, हो सकता है उन्होंने लगाया कि आप गलती से चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम जानबूझ के एक्सटेंशन चेंज कर रहे हैं, हमें डॉट जावा एक्सटेंशन ही चाहिए, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। अब उसने चेंज कर दिया प्रिंट डॉट जावा, अब इसको हम अपने ओपन कर देंगे नोटपैड में, नोटपैड में ओपन हो गया। अब यहाँ पे अपना जो हमें लिखना है मैसेज, अपना जो भी प्रोग्राम लिखना है वो लिखेंगे प्रोग्राम फिर से कैसे, ये आपको बस इसीलिए कि आपको प्रोग्राम लिखना एक बार रिवाइज हो जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास का नाम लिखने के लिए क्या तरीका है, पब्लिक क्लास, पब्लिक पे फिलहाल आप ध्यान ना दीजिए, आप ये देखिए क्लास का, पब्लिक और क्लास, क्लास लिखे हम, अब क्लास का नाम, क्लास का नाम वही होना चाहिए जो आपने फाइल का नाम रखा है विदाउट एक्सटेंशन। फाइल का नाम हमने क्या रखा है, प्रिंट डॉट जावा, तो क्लास का नाम हम लिख देंगे प्रिंट, ठीक, एंटर करेंगे, ये करली ब्रेस, मतलब करली ब्रेस ओपन, मतलब ब्रेस का हमने जो ओपन किया ये हमारा क्लास का स्टार्टिंग दिखाएगा कि हमारा क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गया। नीचे आके टैब प्रेस कर देंगे, टैब प्रेस करने का काम केवल इतना है कि हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एक थोड़ा सा एक सजावटी ढंग से कहते हैं उसमें रहेगा। इससे फायदा क्या होगा कि हमें देख के समझ में आएगा, आप देखिए अगर प्रोग्राम में ऐसे ही रन करता हूँ, सिंपली ऐसे लिखता हूँ, अब क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ही लिखेंगे हम इस बार, और प्रिंट एलन में हम क्या लिखेंगे, दिस प्रोग्राम क्या रहेगा, दिस प्रोग्राम इज रिटन इन जावा लैंग्वेज, दिस प्रोग्राम इज रिटन इन जावा लैंग्वेज, ठीक, और लास्ट में सेमी कॉलन, ये ध्यान रखिएगा आपको जब भी कोई स्टेटमेंट जावा में खत्म होती है तो लास्ट में उसको सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन लगाने के बाद फिर हमने ये देखिए, पहला जो हमने क्लास का इसमें जो फंक्शन हमने मेन लिखा था वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इसको यहाँ पे फिर बंद कर देंगे, फिर एंटर दबाने के बाद यहाँ पे जो हमने क्लास स्टार्ट की थी क्लास वाला भी यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक, हमारा प्रोग्राम लिख गया। यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम ये भी रन होगा, मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, सेव, ये सेव हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए हम, और यहाँ पे प्रोग्राम ये वाला भी रन होगा, CLS से हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं पहले, और प्रोग्राम ये रन होगा कैसे, जावैक, और फिर प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रिंट, क्या नाम है हमारा, प्रिंट डॉट जावा, ठीक, एंटर करेंगे, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, रन कराएंगे जावा, ठीक, और फिर प्रिंट,
प्रिंट। देखिए दिस प्रोग्राम इज रिटन इन जावा लैंग्वेज, लिख के आ गया ना। अब ये प्रोग्राम रन होगा, ये प्रोग्राम भी रन होगा, लेकिन आप देखिए इस प्रोग्राम में और इसमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है, मैं इसे भी ओपन करता हूँ, दोनों को साइड बाय साइड ओपन करते हैं, ये वाला। अब देखिए इसमें जो लिखा है, इसमें जो मैसेजेस लिखे हैं, इसमें जो हमने प्रिंट के लिए लिखा है, ये हमने कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, पूरा एक लाइन में हम लिखते चले आए हैं। एक लाइन लिखा, उसके बाद में एंटर प्रेस किया, उसी कर्सर में फिर स्टार्टिंग से ही लिखते चले आए। और इसमें हमने क्या किया, इस वाले में हमने ये जो प्रोग्राम लिखा अपना, इसमें हर एक लाइन के बाद जब एक नया प्रोग्राम का हमारा नया पार्ट स्टार्ट हुआ, इसे हम क्या कहते हैं ब्लॉक्स। ये क्या दिखाएगा हमारे, ये जो रहते हैं हमारे ये और ये ब्लॉक की स्टार्टिंग और एंडिंग दिखाते हैं। ये पूरा हमारा, ये जो पूरा हुआ, ये पूरा हमारा एक ब्लॉक कहलाएगा। ये ब्लॉक किसका है, ये हमारा जो जावा क्लास पूरी पूरा क्लास का प्रोग्राम है। तो क्लास की हमारी बॉडी है, क्या कहेंगे, हमारी क्लास की बॉडी है। और उसके बाद देखिए एक और फिर स्टार्ट हुआ यहाँ पे और एंड हुआ, ये फिर अंदर वाला ये जो है इसके, ये क्या कहलाएगा, हमारा जो मेन वाला फंक्शन है, ये देखिए जो मेन वाला फंक्शन है, इसकी बॉडी है ये। हमने जो हम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे एंटर करने के बाद एक टैब से हम स्पेस दे देते हैं कुछ, इसका फायदा ये होता है कि जब आप प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारी क्लास है, क्लास हमारी जो है, ये हमारी क्लास स्टार्ट हुई यहाँ पे, और उसके अंदर ये पूरा इस क्लास का केवल बॉडी है। बस ये समझ में आ जाएगा कि क्लास की बॉडी है, मतलब क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके खत्म हुई। फिर आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपको समझ में आएगा कि ये पूरा हमारा जो है, ये हमारे मेन फंक्शन का बॉडी है। और जो वही जब हम इससे कंपेयर करते हैं अपने इस वाले प्रोग्राम से, प्रिंट वाले से, इसमें हमने क्या किया है, प्रिंट में हमने सब एक ही लाइन में ही दिया है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ क्या ब्लॉक कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कौन सा ब्लॉक कहाँ एंड हो रहा है। इसके लिए हम क्या तरीका यूज़ करते हैं, सिंपली अपना स्पेसिंग यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, इसको टैप से स्पेस कर देंगे, नीचे वाली लाइन को भी टैप से स्पेस कर देंगे, इसको यहाँ पे स्पेस करके दो बार टैप प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाए। समझ में आ रहा है ना कि ये जो पब्लिक वाला है उसके अंदर है सिस्टम वाला, सिस्टम वाली लाइन, और ये यहाँ पे भी टैप करके और यहाँ पे। अब देखिए और भी क्लियर अब समझ में आ रहा है क्या, कैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये हमारे क्लास की पूरी बॉडी है ये, और फिर क्लास के अंदर ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी है। ठीक, इससे हमारा क्लैरिटी बनी रहती है, मतलब प्रोग्राम और हमारा सुंदर दिखता है, समझने में आसान होता है। इसे कहते हैं रीडेबिलिटी, एक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी, मतलब आप उसको जब रीड करते हैं तो कितना आसानी से आप रीड कर ले जाते हैं, वो हमारी बढ़ती है। इसके लिए हम ये तरीका यूज़ करते हैं। और इसके बाद में प्रोग्राम हमारा लिख गया, हमने क्या लिखा, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा दूसरे वाले का। क्या प्रोग्राम है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या कहे इसका कि प्रिंट करो, ये फंक्शन क्या कहता है, ये पूरा जो हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, दिस प्रोग्राम इज रिटन इन जावा लैंग्वेज। अब इसको हम सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव किया, एक लाइन इसमें मैं और ऐड करता हूँ प्रिंट करने के लिए, एक लाइन और ऐड करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या लिखेंगे हम, जावा के बारे में थोड़ा लिखते हैं कि जावा वॉज डेवलप्ड, जावा या सीधा लिखते हैं जावा इज अ हाई लेवल जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लास्ट में सेमीकॉलन। ये आप ध्यान रखिएगा कि जावा में भी, जावा का एक रूल है जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स कहते हैं ना, सिंटैक्स में क्या कहता है जावा का कि हर स्टेटमेंट के बाद आपको लास्ट में एक सेमीकॉलन लगाना है। ये क्या दिखाएगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई है। तो यहाँ पे जब हमने लगाया तो इससे क्या शो हुआ हमारा कि जो प्रिंटलन वाली स्टेटमेंट है ये जाके यहाँ पे खत्म हो गई, हमारा जो डॉट डॉट यहाँ पे पहला प्रिंटलन है वो जाके यहाँ पे खत्म हो गया। और ख़त्म हुई इसके बाद फिर हम क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप कीबोर्ड पे कंट्रोल एस दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस, या फिर आप क्या कर सकते हैं फाइल में जा करके यहाँ पे सेव आप प्रिंट कर क्लिक कर सकते हैं, सेव बटन पे, यहाँ पे फाइल, फाइल मेन्यू में जाएं, वहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक कर दिया हमने, ये सेव एस पे हो गया था, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, प्रोग्राम अपने आप सेव हो गया।
फिर क्या करना है हमें, बस ये रिविजन की तरह हम कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन था, इसको हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल, इसको क्लोज कर दिया। और फिर क्या करना है आपको, ये जो एड्रेस बार है आपका फाइल एक्सप्लोरर में, जो एड्रेस बार है ये देखिए, इसे एड्रेस बार कहते हैं, जहाँ पे एड्रेस आपका रहेगा, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, जो भी लिखा है उसको आप डिलीट करके सीधा लिखिए CMD। इससे आपका क्या होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट आपकी इसी फोल्डर में ओपन होके आ जाएगा। नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ गया, किस फोल्डर में है, सी यूजर्स यूजर नेम और डॉक्यूमेंट करके जावा वाला फोल्डर जो है, देखिए यहाँ पे भी है, डॉक्यूमेंट्स में जावा वाले फोल्डर में हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में जावा वाले फोल्डर में आ गया। अब इसको कैसे कंपाइल कराएंगे, जावा सी, फाइल का नाम क्या है, प्रिंट डॉट जावा। ठीक, देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, रन कराना है, कैसे रन करेंगे, जावा प्रिंट, और केवल अब इसमें एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें यहाँ पे डॉट जावा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे खाली प्रिंट, और प्रिंट करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा मैसेज जो है वो प्रिंट होके आ गया, दिस प्रोग्राम इज रिटन इन जावा लैंग्वेज एंड जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये था बेसिक स्टेप कि कैसे आप JDK इंस्टॉल करके कमांड प्रॉम्प्ट से, ये तरीका मैंने इसीलिए यूज किया कि आपको समझ में आए कि कैसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कैसे आपका तरीका होता है। अदरवाइज ऐसे टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आपकी Eclipse है या विजुअल स्टूडियो है या और भी जैसे इंटेलिजेंट IDE, ये सब IDEs हैं, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं IDE, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, क्या नाम है उसका, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लियर, और IDE क्या होता है, IDE का मतलब ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डेवलपमेंट के, मतलब आपको डेवलपमेंट मतलब एक प्रोग्राम डेवलप करने का, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का, जो भी पूरा टूल्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक फाइल एक्सप्लोरर था हमारा जिसमें हमने जाके फाइल अपनी बनाई थी, फिर अपना नोट पैड था जिसमें हमने जाके टेक्स्ट एडिटर जो हमारा था जिसमें नोट पैड में हमने जाके प्रोग्राम को अपने लिख के सेव किया था, और फिर आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट वाला होना चाहिए विंडो जहाँ पे आप जाके कमांड लिख करके उसको रन कराएं। और ये सब अलग अलग टूल्स हैं, और भी कई सारे टूल्स होते हैं, डीबगर होता है या जो आप इसमें वॉच करने के लिए आप जो लगाते हैं डीबगिंग, आप जब करते हैं तो कैसे प्रोग्राम में एक एक एक्सप्रेशन को आप देख सकते हैं डीबगिंग के दौरान, उन सब के लिए अलग अलग टूल्स रहते हैं। सारे टूल्स को एक में मिलाकर IDE बनाई जाती है। IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा आपको एप्लीकेशन दिया जाता है जिसमें सारा काम आपको एक ही जगह पे हो जाएगा, आपको बार बार एक्सप्लोरर खोल के फिर ये टेक्स्ट एडिटर खोल के फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमने बेसिक यहाँ पे IDE का यूज नहीं किया सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे हमको बेसिकली समझना था कि कैसे प्रोग्राम को कंपाइल होकर रन कराते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, एक सिंपल एक बटन बनी जाएगी, बटन पे क्लिक कर देंगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो नहीं सीखना, यहाँ पे आपको सीखना है कि कैसे प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे, कैसे कराएंगे, जावा कमांड से, जावा कमांड लिख के फाइल का नेम, उससे आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ। उसके बाद में फिर आपको जावा लिख करके, जावा JAVA और फिर फाइल का नेम, जो भी फाइल का नेम विदाउट एक्सटेंशन, आप उसको रन कराएंगे, ये आपका रन होके आ गया। तो ये था तरीका हमारे प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को रन कराने का। अब हम यहाँ पे हम बेसिक जब समझ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, एक हम IDE यूज़ करेंगे। IDE का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी, हम समझ चुके हैं। और इसको मैं क्लोज करता हूँ। और IDE आप कौन सी यूज़ करेंगे, आपको जो भी यूज अच्छी लगे, आप कई सारी IDEs हैं, आप उसके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी रिकमेंड करूँगा आपको, एक एज अ बिगिनर अच्छे समझने के लिए, जल्दी काम करने के लिए, फास्ट एक IDE और लाइट वेट, बहुत छोटी प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा आपको भारी नहीं कि आपके लैपटॉप में मान लीजिए 2GB रैम है, आप बड़ा कोई IDE डाउनलोड कर लेंगे वो चलेगा ही नहीं जल्दी, तो उससे अच्छा एक है विजुअल स्टूडियो कोड नाम का एक कोड एडिटर है, उसको एक बेसिकली एक कोड एडिटर है जो प्रोग्राम को आपको एडिट करने का काम करता है, लेकिन आप उसमें
बगल में वहाँ पे टर्मिनल जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है ये भी बगल में लगा रहता है, तो आप वहीं पे रन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अब लास्ट में केवल यही करेंगे कि एक हम अपनी आईडीई को यानी वीएस कोड को आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं वीएस कोड को यहाँ प्रेफर करूँगा, और वीएस कोड को हम इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, और फिर उसमें एक प्रोग्राम हम रन करा के देख लेंगे बेसिक, जिसे समझ में आ जाए कि कैसे प्रोग्राम हमारा पूरा बनेगा। सीधा क्या करेंगे, वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है, वीएस कोड डाउनलोड, यहाँ पे ये आ गया, वीएस कोड डाउनलोड लिखेंगे जैसे हम, यहाँ पे देखिए लिंक लिख के आ गई। सबसे पहला लिंक जो है code.visualstudio.com, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और ये लिंक आपकी ओपन होगी, विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट ओपन हुई, और इसमें सारे के ऑप्शन है, आप विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, तीनों के लिए है। मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज पे यहाँ पे देखिए यूजर इंस्टॉलेशन, यूजर इंस्टॉलर या सिस्टम इंस्टॉलर कौन सा चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे एक 64 बिट का सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग, तो 64 बिट के इंस्टॉलर पे क्लिक करनी है यहाँ पे, और ये क्लिक करते ही आपके विंडोज वाले बटन पे क्लिक करते ही अब ये पेज खुल के आएगा, जिसमें आपका पूरा विंडोज का जो एप्लीकेशन है वो रहेगा। यहाँ पे खुल के आ रहा है और अभी हमारा ये देखिए खमामा थोड़ा एक्सप्लोरर खुल के आया, विंडोज एक्सप्लोरर, उसमें पूछ रहा है आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, मैं इसको यहीं पे सेव कर रहा हूँ डाउनलोड वाले फोल्डर में, और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ, देखिए 68 मेगाबाइट्स का है, 68 यानी 68 MB का, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सा है, इससे आपको क्या होगा कि बहुत आसानी से आप प्रोग्राम्स रन करा ले जाएंगे, आसानी से आप उसको जैसे कोई एरर्स आएंगी आप उसको डीबगिंग बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इसके बारे में आप देखिए थोड़ा सा कैसे व्यू है इसका, ऐसे रहता है, ये ब्लैक कलर की विंडो रहेगी जिसमें आपको ऊपर लिखना रहेगा, ये अलग अलग थीम्स होती हैं आप उसमें चेंज कर सकते हैं, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे हम अभी कहते हैं कि वाइट में ब्लैक लिखा रहेगा। तो ये क्या करता है, इसका एक बहुत अच्छा फीचर जो है, अभी हमने नोट पैड में जब देखा था, ये देखिए नोट पैड में इसमें सारा एक ही कलर से, पीछे बैकग्राउंड वाइट है और ब्लैक कलर से हमारा पूरा टेक्स्ट लिखा है। इसमें वीएस कोड जो है इसका फीचर क्या है, ये आपको कई सारी आईडीज देती हैं, क्या रहता है कि इसमें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो अलग अलग कलर में लिखी होती हैं। क्या होता है कि जैसे जो जावा के कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं अलग चीज, और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये हम आगे सीखेंगे, तो अलग कीवर्ड्स को अलग में लिखा, आइडेंटिफायर को अलग कलर में लिखा, जो आप मैसेज कोई लिखते हैं, कोई स्ट्रिंग लिखते हैं वो उसको अलग अलग कलर में लिखेगा, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है ये कहाँ पे कौन सा पार्ट है और कौन सा पार्ट क्या कर रहा है वहाँ पे। तो विजुअल स्टूडियो हमारा डाउनलोड लगभग हो चुका है, यहाँ पे मैं सीधा इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा एक बार में, ये कोड हमारा जो सेटअप हमने अभी डाउनलोड किया था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ये मैं इंस्टॉलर पे क्लिक किया, इंस्टॉलर ओपन होके आएगा अभी, ये देखिए इंस्टॉलर ओपन होके आ गया। अभी आपको पूरा डिटेल्स पूछ रहा है, फिलहाल आप सीधा डिफॉल्ट जो है खाली आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करके आपको जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है वो आपको उस पर इंस्टॉल कर देगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ हम डेस्कटॉप आइकन बना सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया नेक्स्ट करके, और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे, अब वो अपनी फाइल्स में कॉपी करके इंस्टॉल कर देगा। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वीएस कोड का वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद में ओपन होगा, वहाँ पे मैं बेसिक आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको प्रोग्राम को लॉन्च वीएस कोड पे क्लिक करना है, फिनिश कर देना, ये टैब मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, और ये हमारा वीएस कोड का विंडो है, यहाँ पे देखिए एक बेसिक आ गई विंडो वेलकम नाम की, इसको हम क्लोज कर देंगे, हमारा फिलहाल ऐसा कोई काम नहीं है, और अगले वीडियो में हमारा इंस्टॉल हो गया, हम ये देखेंगे केवल यहाँ पे आपको करना कैसे, प्रोग्राम को रन कैसे कराना है, आपको सिंपल एक फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, और वहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फोल्डर, आपको फोल्डर एक ओपन करना है, कोई भी फोल्डर ओपन कर लेना है। तो हम अभी किस में प्रोग्राम लिख रहे थे, अभी प्रोग्राम हम किस में लिख रहे थे, ये डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर जो था उसमें एक फोल्डर था हमारा जावा, ये फोल्डर में लिख रहे थे, जावा पे क्लिक करके हम सेलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे सेलेक्ट फोल्डर, और ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया। अब देखिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये पूरी विंडो हमारी खुल के आ गई। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो चीजें हैं, CLS मैं लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसका क्या मतलब है आपको देख यहाँ पे समझ में आ जाएगा
ये साइट जो है देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लोरर, ये आपका वो साइट है यहाँ पे साइड बार में जो आपके लेफ्ट साइड में दिया है। यहाँ पे आप अपनी फाइल्स को देख सकते हैं, जो हम विंडोज एक्सप्लोरर से जो काम कर रहे थे वो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ये आपका कोड एडिटर पार्ट है, जैसे हमने लिखा प्रिंट डॉट जावा का हमने ओपन कर लिया, ये देखिए। अब यहाँ पे आपका ये दो एडिटर वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, आप अपनी जो एडिटिंग करेंगे पूरा प्रोग्राम को, लिखेंगे पूरा प्रोग्राम, वो यहाँ पे करेंगे। और जो रन कराने वाला था कमांड प्रॉम्प्ट से जो हम कराते थे, वो हम अब कमांड प्रॉम्प्ट में ना जा करके, हम इसे टर्मिनल में ये अपना क्लोज कर देता हूँ मैं, कमांड प्रॉम्प्ट में ना जा करके आप सीधा यहीं पे आप उसको रन करा सकते हैं यहाँ पे। कैसे, देखिए ये टर्मिनल खुला है ना, तो ये क्या लिखा है टर्मिनल, इसे आप विंडोज में सीएमडी यानी कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, उसको हम टर्मिनल यहाँ पे बोलेंगे। और टर्मिनल में हम यहाँ पे इसको सीधा अपना प्रोग्राम रन कराते हैं। कैसे रन कराएंगे, सबसे पहले कंपाइल, प्रिंट वाला है तो यहीं पे हम लिखेंगे जावैक प्रिंट डॉट जावा, ठीक। कंपाइल हो गया हमारा, देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर वगैरह नहीं आई। अब रन कराना है जावा और प्रोग्राम का नाम प्रिंट, एंटर। ये देखिए आंसर हमारा जो है पूरा लिख के आ गया कि दिस प्रोग्राम इज रिटन इन जावा लैंग्वेज एंड जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही चीज जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, समझ में आया। इसे इसीलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब सारी चीजों को, एक्सप्लोरर है, टेक्स्ट एडिटर है और अपना टर्मिनल है, तीनों को एक में इंटीग्रेट कर दिया। तो आगे से हम जो प्रोग्राम्स करेंगे जावा के, वो हम इसी में ऐसे लिख करके अपने वीएस कोड में ही लिख करके अपना रन कराएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है जिसपे आप डेस्कटॉप नहीं है या लैपटॉप नहीं है जिसपे आप विंडोज या कोई लिनक्स चला सकें, एक एंड्रॉयड फोन है उस पर भी आप यूज कर सकते हैं जावा को, उस पर भी आप जावा के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, कंपाइल करा सकते हैं। और कैसे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब बहुत इजी से, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप कहीं बाहर गए हैं, लैपटॉप नहीं है आपके पास, आप सीधा अपना वेब ब्राउजर खोलिए, गूगल क्रोम खोलिए, आप उसमें एक वेबसाइट में आपको बताऊंगा, वहां से आप डायरेक्ट लाके प्रोग्राम लिख के रन कराइए अपना, ठीक है। तो आगे से हम जो प्रोग्राम करेंगे इसी में करेंगे, और फिर आगे हम सीखेंगे जावा के बाकी डिटेल्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको जावा के आगे यूज करते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन को कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में कन्फ्यूजन्स अपने आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियोस में आने वाले में हम आपको सारी कन्फ्यूजन्स, जितनी प्रॉब्लम होंगी उनका आंसर बता देंगे। और आप ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।